हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड में लेक्चर नंबर 11 के अंदर टॉपिक ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड एज, एक्सपेक्टेशन किसी रैंडम वेरिएबल के एक्स को किस तरह डिफाइन करते हैं, इस तरह से कैपिटल ई एक्स इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू मीन के इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन, समीशन आई एक्स आई पी आई इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पी एम एफ पी आई। यदि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी आई है और तो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है ये एक्स चूँकि मीन के इक्वल होता है एक्स बार के, वो इक्वल होता है समीशन आई एक्स आई पी आई। एक्स आई नंबर को बताता है, पी आई प्रोबेबिलिटी को बताता है। इसके बाद ये तो डिस्क्रीट की फॉर्म में है, मान लो कंटिन्यूस फॉर्म में हो तो वो उस कंडीशन में एक्स या एक्स बार इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स यदि एक्स है उस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन हम इस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो फॉर्म में हम एक्सपेक्टेशन को ले सकते हैं, और समेशन एक्स आई पी आई डिस्क्रीट फॉर्म में होगा विथ पी एम एफ पी आई, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होगा यदि एक्स कंटिन्यूस वेरिएबल है और एफ एक्स टी डी एफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ डाइस व्हेन थ्रोन। जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो उस पर नंबर जो आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डाइस व्हेन थ्रोन। किसी डाइस को थ्रो किया जाता है तो कोई नंबर रिप्रेजेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रैंडम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं। देन इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, और उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी नंबर आएगा वन आएगा तो 1/6 वन टाइम आएगा, और भी एक्स टोटल कितने आउटकम्स है 6 हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम 1/6। सिमिलरली 2 के लिए भी 1/6, 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए 1/6 और 6 के लिए भी 1/6। इस तरह से 1 से लेकर 6 तक सभी के जो प्रोबेबिलिटी आएगी सेम आएगी 1/6। तो एक्सपेक्टेशन ई एक्स को हम कैसे लिखते हैं कि एक्स एक्स का मल्टीप्लाई हमें पी एक्स से करना है, फिर प्लस करना है जब 1 का मल्टीप्लाई 1/6 से, फिर प्लस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1/6 से, प्लस करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1/6 से, प्लस करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 1/6 से, प्लस करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1/6 से, प्लस करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 1/6 से, इस तरह से करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ई एक्स निकलेगा। उनको करने के बाद इसमें 1/6 कॉमन आ जाएगा और 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। वी नो दैट सम ऑफ 6 नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 6 × 6 + 1/2 और 6 × 7/2, तो 2 कट जाएगा उसमें, जिससे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 3.5 अपॉन 6 से 6 से कट जाएगा 6, 3.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन देम। दो अनबायस्ड डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, यदि दोनों डाइस के ऊपर जो सम आता है उसका हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग टू डाइस। यदि एक्स उस नंबर को सम को डिनोट करता है दोनों डाइस के ऊपर आता है प्लस होने के बाद, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे रैंडम नंबर रैंडम वेरिएबल एक्स लिखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी पी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डाइस पे बनाता है और सेकंड डाइस पे बनाता है, दोनों का सम होगा 2, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/36, ओनली 1 टाइम ही आ सकता है इस तरह से। इसके बाद दोनों का सम यदि फर्स्ट पे बनाता है सेकंड पे 2 आता है और फर्स्ट पे 2 आता है सेकंड पे बनाता है, तो टोटल 3 आ जाएगा दोनों का सम, और 3 का जो प्रोबेबिलिटी होगी 2/36 होगी, क्योंकि दो तरह से हो सकता है ये 1 2 और 2 1। तो 4 कैसे आ सकता है,
1331322, इस तरह से आ सकता है। तीन बे हो सकते हैं इसके, तो 3/36। हाँ, टोटल आउटकम कितनी है, 36, 6×6, 2.5 हैं तो उनके टोटल आउटकम 6×6 होंगे। अब आते हैं फाइव सम कब आ सकता है, फाइव आ सकता है यदि 1441 हो, 2, 3 और 3, 2 हो, 4 यदि आउटकम बन सकते हैं इसमें तो 4/36 आएगा। 5 के 6 के लिए क्या आएगा, 3, 3 आएगा, एक तो दोनों में सेम आए, या 4, 2 और 2, 4 आए, या 1, 5 और 5, 1 आए, टोटल कितने आएंगे, 6 आएंगे। इस तरह से 5, 6 के लिए 5 आएंगे तो 5/36 आ जाएगा। इस तरह से 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, इस तरह से आउटकम आ चले जाएंगे। 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36, 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 और 12 के लिए 1/36। इस तरह से सभी आउटकम आ चले जाएंगे। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई 1/36 में करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2/36 में करेंगे, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3/36 में करेंगे, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4/36 में करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई कर चले जाएंगे 12 तक, लास्ट में 12 का मल्टीप्लाई 1/36 में करेंगे। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स का फॉर्मूला होगा, समेशन आए एक्स आई पी आई, और उनके बाद इस तरह से इसमें वैल्यू आएंगे। इन समय देख रहे हैं कि 1/36 समय कॉमन आ रहा है, और जो वैल्यू आएंगी उसका सम करने के बाद कितना आया, 252 आएगा, और इसको हम यदि कट करेंगे तो 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये आ जाएगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, यानी सम किया जाए एन रैंडम वेरिएबल्स का, उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकाला जाए, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है। सिंबॉलिकली इफ x1, x2, up to xn आर रैंडम वेरिएबल्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x1+x2+xn इक्वल टू ex1+ex2+up to --exn, इस तरह से लिख सकते हैं। और समेशन के फॉर्म में लिखें तो एक्सपेक्टेशन समेशन ऑफ i=1 to n xi = i=1 to n exi प्रोवाइड ऑल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन के लिए एडिशन रूल लगाते हैं, एडिशन थ्योरम जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन की। इसके बाद अब मान लो इसमें दो ही रैंडम वेरिएबल x1 और x2 हैं, तो इसके लिए एडिशन सम का रूट क्या होगा, ex1+x2=ex1+ex2। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, यदि हम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, इनके अलग अलग एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट। तो सिंबॉलिकली इफ x1, x2, xn आर एन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ πi=1 to xi = πi=1 to n exi, जिसमें मैं लिखेंगे पाई का जो साइन होता है, पाई इसलिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी x1 × x2 × xn, इस तरह से यहाँ पे लगाया है ex1 × ex2 × exn प्रोवाइड ऑल एक्सपेक्टेशन आर एग्जिस्ट। इस तरह से सभी हम एक्सपेक्टेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है सबके सम मल्टीप्लाई का एक्सपेक्टेशन, ये कहलाती है मैथमेटिकल थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। इन पार्टिकुलर n इक्वल टू 2, हम मान लो n की वैल्यू 2 है, केवल दो ही रैंडम वेरिएबल हैं x1 x2, तो ex1 x2 इक्वल होता है ex1 × ex2। इफ x रैंडम वेरिएबल एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, देन ex+b = a(ex+b). x भी रैंडम वेरिएबल है, a और b कॉन्स्टेंट हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ex+b का क्या इक्वल होगा, ex+b के इक्वल होगा। प्रोवाइड ऑल द एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट, इसमें देखना पड़ता है कि सभी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट होने चाहिए। अब यदि हम निकालें कि क्वेश्चन सॉल्व करें, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, फर्स्ट है सम ऑफ द पॉइंट्स, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेंड इन ए रैंडम थ्रो ऑफ एन डाइस। मान लो हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है सम ऑफ द पॉइंट्स और प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेंड होते हैं जो कि एन डाइस को थ्रो करना, तो उसका हम कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले लेट एक्साइड नोट द नंबर ऑफ ऑब्टेंड ऑन थ्रो ऑफ द आइथ डाइस देन सम ऑफ द पॉइंट्स। सबसे पहले मान लेते हैं कि वन डाइस है, तो वन डाइस के लिए अभी हमें एक्सपेक्ट करते हमने पहले निकाला हुआ है, वन डाइस का जस्ट ऊपर निकाला है हमने, देखिए वन डाइस को थ्रो करने पे ये रहा। नेक्स्ट फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन ए डाइस व्हेन थ्रो। एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है 7/2 या 3.5। अब मान लो टू डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 7/2 यानी 7 आ जाएगा। इस तरह तीन डाइस को थ्रो करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा 3 का 4 का इस तरह से। और यदि एन डाइस को हम थ्रो करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7n/2। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 7n/2। ये रहा समेशन i=1 to n exi=1 to n 7/2। एक के लिए 7/2 है, अब n के लिए निकालना है तो n का मल्टीप्लाई n का समेशन होगा इसमें, तो 7/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर बन रह जाएगा, और 1 को n टाइम ऐड करें तो n आ जाएगा, तो 7n/2 आ जाएगा। हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स, जैसे हमने ऊपर भी निकाला था प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स के लिए कि मान लो डाइस है, यदि वन डाइस है टू डाइस होगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7/2 × 7/2 हो जाएगा। वन डाइस के लिए 7/2 एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो टू डाइस के लिए क्या होगा ex1 × ex2 7/2 × 7/2 7/2 का स्क्वायर। इस तरह से यदि एन डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी 7/2 × 7/2 और 7/2 n। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं, तो ये हो गया इसमें कंप्लीट सम ऑफ पॉइंट्स और प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स। इस तरह से आज हमने पढ़ा इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केसेस में, उनके फॉर्मूले पढ़े हमने, इसके बाद कैसे हम निकालते हैं एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है वो पढ़ा, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आती है वो पढ़ा हमने, इसके बाद हमने दो एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन पढ़ा, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए जो किस तरह से थे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन सम ऑफ द पॉइंट्स प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेन इन ए रैंडम थ्रो ऑफ ए डाइस, तो सम ऑफ द पॉइंट्स 7/2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स आएगा 7/2 n। इस तरह से हमें ये निकालना है, इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।